नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। सुशील कुमार मोदी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया, एक ट्वीट किया कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि अब डिजिटल तरीके से वोटिंग हो और चुनाव भी कुछ इसी तरीके से हो। लेकिन अब इस बात को लेकर सियासत तेज हो गई है। पप्पू यादव जो कि जाप सुप्रीमो हैं, उन्होंने सुशील कुमार मोदी के इस ट्वीट का जवाब दिया है। उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। आप पप्पू यादव का यह ट्वीट पढ़िए। उन्होंने लिखा है, डिजिटल चुनाव की घोषणा करने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री को बीच चौराहे पर डिजिटल तरीके से फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बिहार कोरोना से त्रस्त है, मजदूर मर रहे हैं, इस सियासी गिद्ध को चुनाव सूझ रहा है। सच में जनता का शासन हो तो इस छोटे मोदी को डिजिटली फांसी से कम क्या सजा मिलेगी। तो आपने देखा किस तरीके से पप्पू यादव ने सीधे तौर पे कह दिया है कि एक तरफ लोग कोरोना से त्रस्त हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन उनको चुनाव की पड़ी है। दरअसल सुशील मोदी ने कहा था कि अब जैसे हालात है, ऐसे में डिजिटल तरीके से चुनाव हो सकते हैं, लोग घर बैठे वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन अब पप्पू यादव ने इसका करारा जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि ऐसे लोगों को डिजिटल तरीके से फांसी दे दी जानी चाहिए। बहरहाल इसको लेकर और क्या कुछ बातें सामने आती है, तमाम सियासी बयानों को लेकर हम आप तक ला रहे हैं, क्या कुछ अपडेट्स आते हैं, तमाम अपडेट्स आपको हेडलाइंस बिहार पर सबसे पहले मिल रहा है। आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।